अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ राइज एंड शाइन स्कूल। क्लास टू, आई एम योर साइंस सब्जेक्ट टीचर सदफ जमान। दिस इज़ योर साइंस बुक और इससे जो है हम आज रीड करेंगे। एंड टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इन चैप्टर थ्री प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स इज पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ओके, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी एट द एंड ऑफ दिस लेसन यू स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लर्न दैट देयर आर मैनी यूजेस ऑफ फ्लावर्स। सम फ्लावर्स ग्रो इन टू फ्रूट्स, यानी कि आप लोगों को इस लेक्चर के एंड तक ये बात पता चल जाएगी कि ऐसे बहुत से फ्लावर्स हैं जिनके बहुत सारे यूजेस होते हैं। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या करते हैं, उन्हें इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बहुत से फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर। ऑल्दो मैनी प्लांट्स हैव फ्लावर्स, नॉट ऑल ऑफ देम डू। यहाँ पे आपको जो है वो ये बताया जा रहा है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट ना, सही। तो प्लांट के जो पार्ट्स हैं उनका हमने पिछली बार जो लेक्चर पढ़ा था उसमें फ्लावर्स, रूट, स्टेम एंड लीफ को जो है वो हमने देखा था और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं उनको स्टडी किया था। अब जो है मज़ीद आगे बताया जा रहा है फ्लावर के बारे में, कि प्लांट्स के बारे में कि बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, फ्लावर्स होते हैं ना, लेकिन बहुत समय नहीं होते। लेकिन फ्लावर्स की बात करें कि फ्लावर्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, डिफरेंट शेप्स और साइज़ के होते हैं। यानी यहाँ लिखा हुआ ना, फ्लावर्स आर ऑफ मैनी डिफरेंट कलर्स, शेप्स एंड साइज़। तो फ्लावर के जो है कि डिफरेंट कलर्स होते हैं, शेप्स होते हैं और साइज़ होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखे हैं ना, रोज़ के और रोज़ फ्लावर देखे हैं आप लोगों ने, जैस्मिन वगैरह। तो ये तमाम फ्लावर्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट शेप्स के होते हैं। सम फ्लावर्स आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, डेकोरेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, सही है, सजावट के लिए। वाइल सम आर यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी दवाइयाँ बनाने के काम आते हैं, सही है, अद्वियात वगैरह जो होती हैं उनको बनाने के काम आते हैं। सम फ्लावर्स ग्रो इन टू फ्रूट्स, कुछ फूल ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं, सही है, उनसे क्या होते हैं, फूल बनते हैं। जैसे स्ट्रॉबेरी वगैरह होते हैं, इनसे क्या होता है, फ्रूट बनता है इनके प्लांट्स। जैसे अब आपको यहाँ नज़र आना, ये देखिए यहाँ पे इस वीडियो में भी क्या है, फ्लावर्स ही क्या है, डिफरेंट शेप्स हैं, डिफरेंट शेप्स के फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट कलर्स के हैं, साइज़ भी डिफरेंट है। तो इसी तरह से क्या है, फ्लावर्स जो है वो एक शेप के, एक साइज़ के, एक कलर के नहीं होते, डिफरेंट शेप, साइज़ और कलर्स के होते हैं। फ्रूट्स सच एज स्ट्रॉबेरीज, एप्पल्स एंड एप्रिकॉट्स ऑल ग्रो फ्रॉम फ्लावर्स। ये जितने भी फ्रूट्स हैं, यानी स्ट्रॉबेरी, एप्पल और एप्रिकॉट, सही है, इन तमाम फ्रूट्स की बात हो रही है कि ये तमाम के तमाम क्या है, फ्लावर्स से ही ग्रो करते हैं। यानी कि एक फूल से जो ये क्या बनते हैं, फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं। ऑल फ्रूट्स कम फ्रॉम फ्लावर, ये जितने भी फूल होते हैं ना, तमाम के तमाम जो फ्रूट्स हैं वो क्या है, फ्लावर से ही बनते हैं, फ्लावर से ही। बट नॉट ऑल फ्लावर बिकम फ्रूट्स, लेकिन लाजमी नहीं है कि तमाम के तमाम जो फ्लावर्स हैं वो क्या हों, फ्रूट में ही कन्वर्ट हों, सही। तो यहाँ पे एक बात पता चल रही है कि जितने भी फ्रूट्स हैं वो फ्लावर से ही बनते हैं, सही, जितने फ्रूट्स हैं वो क्या है, फ्लावर से ही बनते हैं, लेकिन लाजमी नहीं है कि तमाम जो फ्लावर्स हैं वो फ्रूट में ही कन्वर्ट हों। तो ये की पॉइंट याद रखना है। फ्रूट्स हैव सीड्स दैट कैन ग्रो इन टू न्यू प्लांट्स। फ्रूट्स जो हैं उनमें क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, बीज होते हैं ना, और वो जाके आगे जाके क्या होते हैं, नए पौधे में कन्वर्ट हो सकते हैं। हेयर आर सम फ्रूट्स, हैव यू टेस्टेड एनी ऑफ दीज। ये जो आपके पास बास्केट है इसमें नज़र आ रहे हैं कुछ फ्रूट्स, ये क्या एप्पल, ये एप्पल, बनाना, ऑरेंज, सही है, क्रैप्स और पाइनएप्पल, ये फ्रूट्स हैं, इनकी बात की जा रही है कि कुछ फ्रूट्स हैं। आपने क्या इनमें से तमाम टेस्ट किए हैं? ज़ाहिर है हम सब ने ये सब तमाम के तमाम खाए हुए ना, तमाम के तमाम क्या होते हैं, बहुत टेस्टी हैं। सम फ्रूट्स लाइक द वंस शोन अबव टेस्ट गुड एंड कैन बी ईटन। अब जैसे आपने भी जो पिक्चर देखी थी बास्केट की जिसमें फ्रूट्स थे, तो उनकी बात करें, कुछ फ्रूट्स हैं उनमें से
जो हैं वो बहुत अच्छे जायके के होते हैं, मज़ेदार होते हैं ना, और उनको हम खा भी सकते हैं। लेकिन कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं, क्योंकि अभी जो देखें तो तमाम के तमाम हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में खाते भी रहते हैं ना, लेकिन कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनको हम खा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो जहरीले होते हैं, पॉइजनस होते हैं, सही, हमारी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होते। अदर्स डू नॉट टेस्ट नाइस ना, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका जायका अच्छा नहीं होता। लेकिन जो अभी फ्रूट्स हैं वो तमाम के तमाम क्या हैं, अच्छे हैं, सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, सही। तो ये तमाम के तमाम फ्रूट्स जो हैं वो लेने चाहिए। लेकिन कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जैसे वाइल्ड फ्रूट्स होते हैं, और एप्पल जो होते हैं, इसके अलावा स्ट्रॉबेरीज, कुछ वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज होते हैं, कुछ वाइल्ड एप्पल्स होते हैं, तो इनको जो है ना फ़ौरन से नहीं खाना चाहिए। और इसके अलावा जो हम जब जाते हैं ना फॉरेस्ट वगैरह में, तो वहाँ पे फ्रूट्स लगे होते हैं ट्रीज़ वगैरह पे, इन दरख्तों पे, तो उनसे डायरेक्टली हमें फ्रूट जो है वो तोड़ के नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उन पे जो है मुख्तलिफ कीड़े मकोड़े और कुछ जरासीम वगैरह होते हैं, तो उनसे अवॉइड करना चाहिए, कि वो पॉइजनस हो सकते हैं हेल्थ के लिए। मिथ वर्सेस फैक्ट ना, यानी आप एक वहम और एक सच जो है ना उसके बीच की एक बात है, कि लोगों के जहन में होता है कि इस जो कैक्टस होता है वो सर्वाइव नहीं कर सकता बगैर पानी और न्यूट्रिएंट्स वगैरह के ना, ये कर सकता है। तो वो इसमें हम यही बात है कि नहीं, जो एक कैक्टस कैक्टस होता है ना वो भी पानी के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता ना, क्योंकि उससे जो है वो क्या चाहिए होते हैं, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। और वो न्यूट्रिएंट्स वो कहाँ से लेता है, ज़मीन से लेता है, ज़मीन से लेता है वो फ्लावर। ये भी क्या है, प्लांट है कैक्टस ना, सहरा वगैरह में ग्रो करता है, और बहुत ज़्यादा जो ड्राई कंडीशंस होती है ना ये उसमें ग्रो करते हैं, यानी कि क्योंकि सहरा वगैरह में पानी नहीं होता देखने में, क्योंकि क्या होती है बारिशें नहीं होती वहाँ पर, इसलिए। तो कैक्टस का जो सौ वो है वो अपनी न्यूट्रिएंट्स यानी जो उसको फूड चाहिए बॉडी के लिए, वो कहाँ से लेता है, ज़मीन से लेता है। और पानी वगैरह भी ना वो ज़मीन से ही सक करता है। कैक्टस जो होता है ना उसमें क्या, एक थिक और फ्लैशी स्टेम होता है, थिक यानी कि बहुत मोटा, फ्लैशी यानी कि जैसे नर्म सा होता है स्टेम, और उसकी प्रिकली स्पाइंस होती है, यानी कि नोकीले उसके क्या होते हैं, स्पाइंस होते हैं। ये स्पाइंस जो होते हैं ना असल में कैक्टस फ्लावर जो होते हैं प्लांट, इसमें जो है वो क्या है, लीव्स की फॉर्म में होते हैं, सही। आम जो हमने पौधे देखे उनमें लीव्स क्या होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट शेप के होते हैं ना, थोड़े कुछ फ्लैट होते हैं, कुछ ब्रॉड होते हैं, तो लेकिन ये जो इसमें होते हैं प्लांट, इस कैक्टस में, इसमें क्या होते हैं, इसकी लीव्स स्पाइन होते हैं, स्पाइन इन नोकीले होते हैं। ये स्पाइन चैनल्स क्या करते हैं, ये स्पाइन जो है वो क्या करते हैं, वाटर जो है ना रूट्स में से लेकर ऊपर अबव बॉडी जो होती है उसकी उस तक पहुंचा रहे होते हैं, सही। तो ये स्पाइन जो होते हैं ना बेसिकली क्या करते हैं, एक तरह के चैनल बन जाता है, और उस चैनल के थ्रू क्या करते हैं, वाटर रूट से होता हुआ पूरी उसमें सर्कुलेट कर रहा होता है। ये जो है क्या है, एक कैक्टस का पौधा, सही। और ये क्या होता है, कैक्टस इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इस पर क्या होता है, कांटे कांटे से होता है ना, सही, स्पाइंस होते हैं ना, तो इन्हीं की वजह से ये क्या होता है, कैक्टस भी कहलाता है। और ये जो है कैक्टस का फ्लावर जो प्लांट है, ये क्या करता है, अपनी सॉइल अपनी जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह फूड वगैरह वो कहाँ से लेता है, सॉइल से, और पानी वगैरह की भी इसे ज़रूरत होती है। तो ये अपनी बॉडी में जिसका फ्लैशी स्टेम होता है ना, ये इसमें क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं इस तमाम वाटर को। और बाद में फिर जब ड्राई कंडीशंस हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, जब पानी अवेलेबल नहीं होता, तो ये उस वाटर को क्या करता है, यूज़ करता है। सो होमवर्क देख लेते हैं, रीड चैप्टर प्लांट्स एंड दे पार्ट्स, पेज नंबर 20। पेज नंबर 20 जो है आपने रीड करना है प्लांट्स एंड दे पार्ट्स का। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 जो है चैप्टर प्लांट्स एंड दे पार्ट्स का, अपनी साइंस कॉपी में नीट एंड क्लीन इसका काम करना है। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 2, वॉट आर स्मॉल प्लांट्स कॉल्ड, स्मॉल प्लांट्स होते हैं हम क्या कहते हैं ना, स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स एंड श्रब्स। वॉट आर लार्जेस्ट प्लांट कॉल्ड, लार्जेस्ट प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, सही है, लार्जेस्ट प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं, इन छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हर्ब्स एंड श्रब्स, जो झाड़ियाँ होती हैं ना उन्हें कह रहे होते हैं स्मॉल प्लांट्स, और जो बड़े बड़े पौधे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, दरख्त कहते हैं। ओके, आज का हमारा लेक्चर जो है वो बस यहीं तक था, मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह अज़्ज़ोजल, तब तक के लिए इतना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।